अरे ये कौन है? ये तो हमारे साथ ही लग नहीं रहे। वक्त हो गया, चलो इसे भी पकड़ के कैद खाने में डाल दो, इसकी भी कार्रवाई होगी। अच्छा तो ये भैरूपिया तेरी बहन है? देवी तू डर मत, मैं वापस आऊंगी, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल के लेके जाऊंगी, इस नर्क से बाहर लेकर जाऊंगी, I promise। ले जाओ इसे और डाल दो नर्क की जेल में। दिव्या को लेकर आओ, मौत के इस पिंजरे को ले जाओ यहाँ से। साक्षी ने कहा था कि वो यहां मेरा इंतजार करेगी, पर वो यहां है ही नहीं। कहां है वो? ये तुझे कैसे मिला? हाँ कहां से मिला? सवाल मत पूछ, पहले जाकर उन दोनों को नर्क में से वापस लेकर आ। नहीं लाऊंगी, जा। अरे वो दोनों नर्क में है, नर्क में ही मरेंगी वो दोनों। उन दोनों के तो मौत का चक्र भी शुरू हो गया होगा, आज मरेंगे दिव्य दृष्टि। ठीक है फिर, आज पाताली भी मरेगी। निकालो, खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। नहीं, जा मेरी दिव्या, मुझे बाहर जाना है, प्लीज मुझे बाहर ले चलो, निकालो, खोलो, दिव्या। अगर दिव्य की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब दिव्य को जहाँ कहीं भी ले गए वो मेरे आसपास ही है, मेरे बहुत करीब है। भगवान, ये विजन तो देखा था मैंने कि गरम तेल के ऊपर दिव्य लटक रही है। दिव्य तुम डर मत, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। दिव्य दिया का दिया, मेरे बच्चे को गरम तेल में डालेंगे। देख मैं तुझे बचाने आऊंगी, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। दिव्य तुम डर मत। साचनी साचनी कहाँ मर गए? तूने मुझे नर्क में फंसा दिया, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? साचनी ने कहा था कि वो मेरा इंतजार करेगी, तो फिर वो आई क्यों नहीं? ए कौन तू? ये तो काल देवता की आवाज है। साचनी धोखेबाज, तेरे वजह से अब मैं नर्क में फंस गया। ए, याद है ना, तुम लोगों ने पहले भी पाताली का दिल चुराया था, क्या हुआ याद है ना? याद है, बहुत बड़ा धमाका। धमाका हो, ज्वालामुखी फटे या मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर आज आज पाताली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ही जल रहा था क्या? चल आजा मेरे साथ, चल जल्दी चल, उस लड़की को धधकते हुए गरम तेल में डालना है। आ गई दिव्या की मौत, आ गई। चल आजा।
ठीक है, नहीं मारता, पर इसके बदले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। काट दे इसकी जंजीरें, डाल दे इसको मौत के मुंह में। इसकी बहन भी यहीं कैद है, उसे भी मार दे इसके साथ। नहीं, दोनों को एक साथ नहीं, बारी बारी करके, पहले इसे फिर उसे। दिवी, तुझे कुछ नहीं होगा। दिवी, मैं बस आ रही हूँ। नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी ये पाताली जिंदा है तो मुझे तुम नरक लेकर चलो। वहां अपने उस काल देवता को बताओ कि तुम्हारी और उसकी बेटी जिंदा है और मेरी दिव्य दृष्टि को अभी के अभी आजाद करें। संभाल ही नहीं। अरे दोनों चूहे हमारे कब्जे में, अब तो चाहे जो हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है फिर, मत छोड़ो। तुम्हारी इस पाताली को भी मर जाने देते हैं और इस बार असली वाली मौत। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं।